नमस्कार दोस्तों, अनिल ऑडियो सर्विस सेंटर की नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों ये हमारे पास एंड्रॉइड स्टीरियो है, तो कस्टमर का कहना है कि इसके उसको जैसे ही ऑन करते हैं इसकी ना डिस्प्ले वाइट हो जाती है। वाइट होने के बाद जैसे वाइट आ रही है और बीच में सेंटर के अंदर वाइट पट्टी आ जाती है या लाइनिंग आ जाती है, तो इसको हम डायग्नोज करते हैं। इसके अंदर तीन चीज के फॉल्ट हमारा आ सकता है, डिस्प्ले भी खराब हो सकती है और मदरबोर्ड में भी इशू आता है तो भी ये दिक्कत आएगी, और या फिर सॉफ्टवेयर की दिक्कत होगी तब भी ये प्रॉब्लम आती है। उसको हम चेक करते हैं कि क्या दिक्कत है इसमें। दोस्तों हमारे पास ये ओके मदरबोर्ड रखा हुआ है, इसको लगा के हम चेक कर लेंगे कि हमारे मदरबोर्ड में दिक्कत है या डिस्प्ले में दिक्कत है। मदरबोर्ड हम हमारे पास ओके वाला रखा हुआ है, ये हम लगा के चेक कर लेते हैं, इससे हमारे ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे मदरबोर्ड में दिक्कत है या डिस्प्ले में। तो सर हमारी ये डिस्प्ले ओके है, डिस्प्ले हमारी सही आ रही है और हमारे मदरबोर्ड में दिक्कत है इस वाले में, तो वो चेक कर लेते हैं कि टच भी पहले चेक कर लेते हैं, अभी टच में भी दिक्कत तो नहीं है कोई। टच मार भी कंप्लीट वर्किंग में, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जो ये मदरबोर्ड है इसको चेक कर लेते हैं, इसके अंदर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आ रही है या हार्डवेयर की दिक्कत है, चेक करके इसको बताते हैं आपको। तो सर इसके अंदर ये हो सकता है कि जो डिस्प्ले का आईसी होता है वो खराब हो जाता है, जो डिस्प्ले को एक्टिवेट करने की सप्लाई देता है, उसी सीरीज में चलते हैं और चेक करते हैं। ये जहाँ डिस्प्ले का रिबन लगता है ना, लाइट तो आ रही है डिस्प्ले की, खैर यहाँ से तो ठीक होगा। ये डिस्प्ले का रिबन है, इसके सर्किट में चेक कर लेते हैं, इसका जो डिस्प्ले का आईसी है वो सब पावर पूरी दे रहा है नहीं दे रहा। इसकी डिस्प्ले आईसी की प्रॉब्लम में थी, तो डिस्प्ले आईसी हमने डाल के चेक कर लेते हैं। मुझे लगता है सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम इसमें नहीं हुई, हार्डवेयर की दिक्कत ही लग रही थी। सर ये आईसी डाल दी है हमने, अब ऑन करके चेक करते हैं क्या पोजीशन है इसकी। स्टीरियो ऑन हो गया, बाकी फंक्शन भी चेक कर लेते हैं हमारे वर्किंग में आए या नहीं है। ठीक हो चुका स्टीरियो हमारा कंप्लीट। और अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही हो और आप ठीक करवाना चाहते हैं तो आर इंडिया से आप स्टीरियो रिपेयरिंग के लिए भेज सकते हैं, तो आप कोरियर से ही भेज सकते हैं, हमारा जो एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हमेशा भेजने से पहले आप पैकिंग अच्छी से अच्छी करिए और फ्रॉम में अपना एड्रेस जरूर डालिए, ताकि काफ़ी जगह से स्टीरियो आने के कारण आपस में आपके स्टीरियो मिक्स ना हो पाए। तो जैसे ही आपका स्टीरियो आता है हम तो स्टिकर लगा ही देते हैं उसके ऊपर
लेकिन आप भी अब जो पार्सल भेज रहे हैं अब फॉर्म में जरूर डाल के भेजिए कि कहाँ से भेज रहे हैं। नई स्टीरियो रिपेयरिंग की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करते रहिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो।